निर्दयी सिस्टम से एक नवजात की कोख में ही मौत हो गई। मामला छतरपुर जिले के नौगांव का है। यहां एक प्रसूता 6 घंटे तक अस्पताल और डॉक्टरों के चक्कर लगाती रही। बड़ी मशक्कत के बाद प्रसूता को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन बिना इलाज किए ही छतरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल से सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने पर प्राइवेट वाहन से ले जाते समय रास्ते में प्रसूता ने मृत बच्चे को जन्म दिया। अब इस मामले में कलेक्टर ने दोषी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की बात कही है। CMHO ने BMO ड्यूटी डॉक्टर नर्स को नोटिस देकर जवाब मांगा है। मामला नौगांव के बरट गांव का है, जहां गुरुवार सुबह 7 बजे ज्ञान राजपूत अपनी गर्भवती बहू को लेकर नौगांव सामुदायिक केंद्र आया था। यहां डिलीवरी वार्ड के ड्यूटी स्टाफ ने सुबह 9 से 10 बजे तक प्रसव कराने की बात कही, लेकिन प्रसव के लिए उसे भर्ती नहीं किया। अस्पताल पर आरोप लगाते हुए ज्ञान राजपूत ने बताया कि सुबह से बहू को पलंग नहीं दिया, कुछ देर तक वह जमीन पर ही पड़ी रही। डिलीवरी का टाइम आने के कुछ देर पहले ही पूरा स्टाफ बदल गया। दूसरे स्टाफ ने भी गर्भवती को भर्ती नहीं किया। अस्पताल आने के 6 घंटे बाद करीब 1 बजे उसको रेफर कर दिया। ज्ञान का कहना है कि हमारे पास रुपए नहीं थे, अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद भले आदमी ने बहू को अपनी गाड़ी से अस्पताल ले जाने लगा। इस दौरान रास्ते में नवोदय के पास उसने बच्चे को जन्म दे दिया, लेकिन वह मृत था। उसे दोबारा अस्पताल लेकर आए। नौगांव के सरकारी अस्पताल में एम्बुलेंस होने के बाद भी प्रसूता को उपलब्ध नहीं कराई गई, इस कारण उन्हें प्राइवेट वाहन के लिए इधर उधर भटकना पड़ा। छतरपुर कलेक्टर संदीप GR ने कहा कि नौगांव अस्पताल में गर्भवती महिला के प्रसव के मामले में CMHO को निर्देशित किया गया है, जो भी दोषी हो उस पर कार्यवाही की जाए। CMHO विजय पथोरिया का कहना है कि जानकारी आपके द्वारा मिली है। BMO सहित ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स, नर्स सभी को नोटिस देकर जवाब मांगा जा रहा है। इसकी मैं स्वयं जांच कर रहा हूं। जो भी दोषी होगा उस पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। चाय लगा रहे हैं।